फाइनली BGMI और PUBG का 3.1 अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे खेलना है, कैसे फीचर यूज करने हैं और कहां-कहां क्या-क्या मिलने वाला है। एंड आई स्वेयर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ना तो आपको किसी और का वीडियो देखना पड़ेगा, इवन आपको ना तो अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, सब कुछ आप समझ जाओगे। लेट्स गो। ओके, सो मैप ओपन करते हैं और यहां पे आपको देखने को मिलेगी 3 केव्स जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है, जिन्हें आप ओ स्पेसेस वॉल्ट भी कह सकते हो। और यहां पे देखो, मैं आपको एक यहां पे मतलब एक जगह जाके बता देता हूं, जैसा कि मैं गटका वाली यहां पे लोकेशन पे जा रहा हूं, आप यहां पे देखो तीनों में ऐसा ही है, तो मैं एक लोकेशन बता देता हूँ और सारी समझ जाना। मैं आपको एक वोल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों आप समझ जाओगे वैसे ही दिखते हैं। तो आप अगर इसके पास जाते हो एंड यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिखने में, अगर आप इसके पास जाते हो तो ये ओपन नहीं होता। पंच एंड फायर जो करना है कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो ओपन नहीं होता। तो आपको अपने बैकपैक को ओपन करना है एंड यहाँ पे ट्रेजर हंट को, यहाँ पे यूज वाले बटन को जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो कुछ टाइमर होगा और यहाँ पे आपका मैप ओपन हो जाएगा, डिस्कवर्ड ट्रेजर एरिया आपका सामने आ जाएगा। इस तरीके से कुछ क्रॉस साइन बने होंगे मैप, एंड आपको उन लोकेशन पे जाना है एंड ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो मैं क्रॉस पे आ चुका हूँ, जैसे यहाँ पे देखो इस मतलब एरिया के अंदर आओगे ना तो कुछ इस तरीके से वापस आपके नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे देखो कुछ 3 तरह के क्रॉस है एंड 3 यहाँ पे बॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जमीन पे कुछ ऐसा क्रॉस देखने को मिलेगा और जैसे यहाँ पे देखो खोदना चालू करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक डब्बा आएगा जिसमें से लूट मिलेगी। लूट तो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे लेकिन अपने को लूट नहीं चाहिए। सेकंड पे आ चुका हूँ एंड सेकंड पे यहाँ पे देखो जैसे मैं खोदना चालू करता हूँ अपने को वापस से लूट मिल चुकी है, मेरे को लूट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे ओपन नहीं करना खुद को। हेलो गाइज, आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट 1xbet के द्वारा स्पॉन्सर है। दोस्तों अगर आप भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप 1xbet पे बहुत सारे ऑनलाइन पॉपुलर गेम यहाँ पे लाइव कैसीनो खेल सकते हैं, साथ ही आप स्पोर्ट मैचेस पर प्रिडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हैं। और तो 1xbet की सबसे खास बात यह है कि आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ बहुत इजी कर सकते हो, पेटीएम जीपे फोन पे आसानी से डिपॉजिट कर सकते, साथ ही आपको 24/7 लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे इवन आप यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग गेम लाइक यहाँ पे लेटेस्ट आईफोन कार एंड बहुत कुछ विन कर सकते हो। सो गाइज अभी जाओ कमेंट पिन में लिंक से रजिस्टर करो या स्क्रीन पे QR कोड है स्कैन करो, फर्स्ट डिपॉजिट पे 42,900 तक का बड़ा बोनस प्राप्त करने के लिए ये मेरा यहाँ पे प्रोमो कोड है, उसका यूज करना मत भूलना। ओके, तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, ये जो बॉक्स है ना इनको भी यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हो, मतलब 3 ये मिल जाएंगे, 3 ये तीनों में जिसमें मिलेगा उसमें मिल जाएगा। और एक छोटा सा जीनी निकलेगा ना तो समझ जाना आपके पास यहाँ पे की आ चुकी है। एंड यहाँ पे जैसे ही ओपन करोगे ये देखो वोल्ट की आपके पास आ जाएगी, मतलब जिसमें भी यहाँ पे देखो छोटा सा जीनी निकले समझ जाना। करने के बाद में उसी लोकेशन पे वापस आओ एंड यहाँ पे देखो कुछ ग्लो करने लग गया, तो यहाँ से नहीं खुलेगा, आपको क्या करना है इसके साइड में ये जो पिलर दिख रहा है ना इसके पास आना है एंड यहाँ पे ओपन कर देना है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा एंड टाइम लेते ही याद रखना कि जैसे ही तुम ओपन करते हो तो पूरे मैप में ये शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपके एनिमीज को और लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो जो भी करना है उसकी भी बताऊंगा कि अगर एनिमीज आप पे रश करते तो करना क्या है। लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पे सामने बहुत ज्यादा ही लूट है और अंदर आओगे तो यहाँ पे मसाल ऑटोमेटिक यहाँ पे जलने चालू हो जाएंगे जो कि अच्छा लगता है। और यहाँ पे सामने की तरफ आओगे अंदर की साइड तो यहाँ पे भी देख सकते हो लूट के साथ साथ यहाँ पे एक डब्बा मिलेगा जिसको ओपन करोगे तो भाई आपको फ्लाइंग कारपेट यहाँ से भी मिल जाएगा, मतलब आपके एनिमीज मतलब अगर स्क्वाड है ना तो पूरी स्क्वाड की लूट तो यही मिल जाएगी। और अगर बात करें एक और ये दरवाजा इसको खोलने का क्या तरीका है, मान लो गलती से आप जोन में फंस जाते हो या एनिमीज आप यहाँ पे रश कर देते हैं अंदर की तरफ तो भागने का कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको करना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको ये ढूंढना है एंड इसके ऊपर जाना है एंड फाइंड 1 एंड फाइंड 2 को जैसे ही ढूंढोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ऊपर एंड यहाँ पे देखो ये डोर ओपन हो चुका है। लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट ओपन वाले बटन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एंड सामने देख सकते हो यहाँ पे आपको एक और बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको लेवल 3 की लूट मिलेगी। लेकिन अगर दिक्कत हो रही कि आप जोन में हो या एनिमी रस मार रहे हैं आपको तो जस्ट कुछ नहीं करना, इस वाली साइड देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीपोर्ट, सीधा लीव वाले बटन पे क्लिक करोगे एग्जिट हो जाओगे। मतलब देखो मैं गटका में था और यहाँ पे मिल्टा में आके टेलीपोर्ट हुआ हूँ डायरेक्ट की डायरेक्ट। तो ये वाला ग्रेनेड आपको रैंडम लोकेशन के साथ साथ इवेंट पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन को ओपन करना है एंड इसको यूज करके इस तरीके से एनिमीज पे फेंकोगे तो वो डांस करने लग जाएगा एंड अंदर की तरफ रहेगा तो भाई आप उसको मार सकते हो, वो डांस ही करता रह जाएगा। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम रहता है जिसमें उसको मार सकते हो। यार इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, तो एक लाइक और नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से होल्ड पे कर लो। याद है तुम्हें एक सॉक्स वाला इवेंट आया था तो बहुत सारे बंदों से ओपन ही नहीं हुआ था, तो मैं बता देता हूँ ये भी ऐसा ही ओपन नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ इसको सही से ओपन करने के लिए करना क्या है। ये बॉक्स रहना है, इसमें लेवल 3 की लूट रहती है, तो इसको ओपन कैसे करना है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना इन पे टेप टेप करना है। अब देखो एक मिल गया, अभी मेरे को दूसरा चाहिए, वापिस से देखो मेरे को मिला नहीं, ये मिला। अब देखो ओपन कैसे होता है, एक मिल गया और ये दूसरा मिल गया, अब मेरे को तीसरा यूज करना है। वापिस से एक मिल गया, दूसरा मिल गया, वापिस से तीसरा ढूंढना है। अभी देखो एक मिला,
वापस से मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ एंड तीसरा ढूंढना है। एक मिला, दूसरे पे वापस से क्लिक करता हूँ एंड तीसरा ढूंढना है। अभी देखो मैं वापस से एक मिला एंड दूसरे पे क्लिक करता हूँ एंड तीसरा ढूंढना है, एंड यहाँ पे तीसरा मिल चुका है। इस तरीके से आपको ओपन करना है, जिससे आप इस तरीके से यूज करोगे तो सॉक्स वाला सीन ना हो कि भाई ओपन ही ना हो रहा हो, तो ये वाली चीज से कर सकते हो। ये पोर्टल भी आपको रैंडम लोकेशन और इवेंट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको लेने के बाद में आपको करना है थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन पे ओपन करना है, एंड इसकी रेंज यहाँ पे देखो 60 मीटर होती है साइज से, 60 मीटर हाँ। और यहाँ से अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इस तरीके से टेलीपोर्ट हो जाओगे, ये चीज़ आपको पता ही है। लेकिन आपको बता देता हूँ, आप कार मतलब ग्रेनेड मोली सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं बाइक यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो सामने यहाँ पे सेक पे बंदा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुश करोगे तो भाई एनिमीज आपको मार देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके एंड थ्रोबल आइटम दूर से फेंक सकते हो। ये देखो आप यहाँ से दूर से फेंक सकते हो, इवन आपको सरप्राइज अटैक देना है तो इस तरीके से जाओ एंड भाई जो भी बैठा है उसको मार सकते हो। याद रखना कि एनिमीज भी आपका पोर्टल यूज कर सकता है, और जब भी आप पोर्टल यूज करते हो तो एक चीज जरूर से याद रखना, देखो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस पोर्टल के अंदर आप फ्लाइंग कारपेट को भी यूज कर सकते हो। ग्रेनेड थ्रोबल आपको बता दिया है, लेकिन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और याद रखना, जब भी आप पोर्टल को यूज कर रहे हो तो आपका एनिमीज या आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप आसपास हो मतलब पता चल जाएगा कि आसपास किसी ने पोर्टल ओपन किया है। तो देखो जब भी न्यू अपडेट में कोई भी व्हीकल या नई चीज आती है तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब ओवरलैप करते रखते हैं उसके बटन। तो आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पे देखो इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो मैप के अंदर आके, मतलब यहाँ पे कंट्रोल के अंदर आके सॉरी, एंड यहाँ पे फ्लाइंग के अंदर जाओगे ना मतलब स्पेशल व्हीकल के अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से इनको भी चेंज कर सकते हो। अब इनको यूज कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे देखो ये थ्रोबल आइटम वाला सेक्शन है ना, इसको ओपन करके जस्ट ऊपर वाले टॉप पे ओपन करोगे ना मतलब पंच वाले बटन को, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ड्राइव का आपका पता ही है, लेकिन अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो स्विच वाले बटन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि ये डाउन आए मतलब इसको नीचे लेके आना है, और स्प्रिंट वाला बटन डेस वाला बटन है एंड यहाँ पे स्विच वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रिंग वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके बैग में वापस आ जाएगा। और हाँ, प्रीमियम और नॉर्मल कारपेट में कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे कलर का ही, स्पीड में कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक भी कर सकते हो। स्पोन आइलैंड से जब भी आप प्लेन में चढ़ोगे तो आपको एक तो यहाँ पे ब्राउन कलर का यहाँ पे पोर्टल देखने को मिलेगा, और दूसरा यहाँ पे देखो ब्लू कलर का। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट तो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड बता देता हूँ। जो ब्लैक होल टाइप का दिख रहा ना, ये एक ब्लैक रहता है, मतलब यहाँ पे नाइट मोड ही लगा रहता है। अंदर की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिक नाइट मोड लगा रहता है। और जो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर वाला बताया था ना, जो स्टार्टिंग में आ जाता है प्लेन के, उसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना, उसमें दिन रहता है, तो ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। गेम वालों ने दो ऑप्शन दिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें उतर सकते हो यार। ब्राउन पोर्टल में कुछ ऐसा दिन का रहता है, मतलब दिन का सीन रहता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ। ओके, तो 3.1 अपडेट की यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे 60% यहाँ पे चीजें कवर की। अगर चाहते हो मैं 40% और मतलब आपको कमेंट में लिखना है पार्ट टू, एंड यहाँ पे कमेंट कर देना है। जिनके में अपडेट आया नहीं है उनको करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना, उनके लिए एक शॉर्ट बना दो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना एंड लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।